गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में ध्याव में सुबह शाम पुलक सागर एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा प्रतिभा मामी भोपाल। मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगलम मांगल्यम सर्व कल्याण कारिकम प्रधानम सर्व धर्मानम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। अपना विषय चल रहा है कि जैनियों के भगवान कैसे होते हैं, जिनेंद्र भगवान कैसे होते हैं। तो जैनों में भगवान बाहर से भी होते हैं और भीतर से भी होते हैं। ऐसा नहीं कि अकेले बाहर से हों भीतर से ना हो, या भीतर से भगवान हो और बाहर से ना हो, ऐसा संभव। कोई बोले धर्म बाहर से करो भीतर से नहीं करो, कोई बोले बाहर से मत करो भीतर अच्छे रहो, तो सब बकवास है। अपने यहाँ भगवान की कसौटी क्या है, जो भीतर है वो बाहर भी होना चाहिए, जो बाहर है वो तब तो वह भगवान है, नहीं तो सब पाखंड है। समझ में आ रहा? तो भीतर से भगवान कैसे हैं? तुम लोग भीतर बाहर एक हो क्या? बोलो ईमानदारी से बताओ, भीतर से भी तुम एक से हो, अंदर से बाहर से भी एक हो क्या? तो तुम भगवान हो क्या? भगवान कौन? जो भीतर बाहर एक सा हो, है ना? तुम लोग मंदिर में कैसे दिखते हो? तुमसे बड़ा धर्मात्मा दुनिया में कोई दूसरा? और भीतर में कैसे दिखते हो? कि हमसे बड़ा दुष्ट संसार में कोई और हो ही नहीं सकता। इसीलिए समाज में ऐसी बात आती है कि विचार शुद्ध रखो, पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा, मंदिर जाने, ये भीतर बाहर के एक नहीं है ये लोग, है ना? भीतर से कुछ है और बाहर से कुछ। जैन धर्म क्या बोलता है? याते तो कागा भलो भीतर बाहर एक, बगुला बाहर से सफेद हो भीतर से काला है। कागा याते तो कागा भलो भीतर बाहर, तो तुम ऐसा दोनों वाला धर्म करते हो कि एक वाला? बोलो, या तो बाहर से धर्मात्मा होते हो, भीतर से तो भूल ही जाओ पंडित जी। वे संभव नहीं है भीतर बाहर एक, कभी हरा कभी लाल कभी कीला कभी सफेद। क्या बोले, दिगंबर बोले तुमको, श्वेतांबर बोले, बहु अंबर बोले, विविध अंबर। तो भीतर बाहर एक बनो। जैन धर्म कैसा है? जैसा भीतर से हो वैसा ही बाहर से रहो। दोगला काम नहीं, दोगली नीति नहीं कि बाहर से धर्मात्मा और भीतर से कसाई काम, मुंह में राम बगल में छुरी, रघुपति राघव राजा राम जैसा मौका वैसा काम।
है ना, राम नाम जपना और पराया माल, ऐसे भक्त हैं अपन, समझ में आ रहा है, भीतर बाहर एक से बन। तीर्थंकर भगवान कैसे हैं? जैसे भीतर है वैसे ही, भीतर से कैसे हैं? 18 दोषों से रहित, कितने दोष नहीं है भगवान के, और बाहर से छवि बीतरागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे वशु प्रातिहारे अनंत गुणयुत कोटि रवि छवि। ये बाहर से भगवान नग्न मुद्रा, मुद्रा कितनी, खड़गासन और दूसरा कोई आसन नहीं जिनेन्द्र भगवान का, समझ में आया। और कैसे है? वस्त्राभूषण से, अस्त्र शस्त्र से, पुत्र पौत्रादि स्त्री से, ये बाहर से भी रहे थे और भीतर से भी रहे थे। इनके पास क्या है? भगवान के पास चार अनंत चतुष्टय, क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। इन चार अनंत में दुख है क्या कहीं? है इतना 1% भी दुख है क्या भगवान के पास? तो क्या भगवान किसी को दुख दे सकते हैं? अब जैन दर्शन शुरू होगा। भगवान क्या देते हैं? दुख देते हैं या सुख? बोलो, दुख क्यों नहीं देते? बोलो, तुम 1 करोड़ की बोली क्यों नहीं लेते? नहीं, ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो सरासर झूठ है, तो लेकिन देना नहीं है। वो जिसके पास नहीं है वो तो भगवान ऐसी बेईमानी तो करते नहीं कि हो और नहीं दे, ये बेईमान तो अपन लोग हैं, समझ में आ रहा। तो भगवान के पास दुख है ही नहीं, ये दिमाग में भर लो। और आज से कुछ हो तो ये मत कहना हे भगवान तूने ये क्या कर दिया, भगवान दुख नहीं, क्या है उनके पास? सुख है। कितना सुख है? थोड़ा बहुत नहीं। ज्ञान कितना है? दर्शन कितना है? शक्ति कितनी है? अनंत शक्ति उनमें। यदि वो अनंत शक्ति नहीं होगी तो क्या होगा? कैसे पता भगवान में अनंत शक्ति है? सन्नाटा। भगवान में अनंत शक्ति है ये कैसे पता चलता है? बताओ, भगवान में कितनी शक्ति है ये तो पक्का है, पता कैसे चले? तुम्हारी शक्ति तो संयम से तप से पता चल जाती है, भगवान की कैसे पता चलेगी कि भगवान में अनंत शक्ति है? बताओ, जिसको भी उत्तर गलत ही बताओ, सही की तुम उम्मीद भी नहीं रख रहे हैं। अनंत शक्ति भगवान में है ये कैसे पता चलेगा? कौन विद्वान बताएगा? हे भगवान, बुरे फंसे भगवान भी जैनियों में, तुम्हें नहीं मालूम। हाँ, इधर दो। नमस्ते गुरुदेव। बोलिए। भगवान 18 दोषों से, शक्ति की बात हो रही है, दोष रहित होने से तो वीतरागी है, शक्ति है उनमें अनंत, ये दोषों से शक्ति का कुछ लेना देना नहीं। 18 दोष से रहित होने से भगवान वीतरागी हुए हैं। अब अनंत शक्ति उनमें है कैसे पता चलेगा? क्योंकि भगवान एक ही दृष्टि में पूरे सृष्टि को देख रहे हैं, इसलिए कहाँ देख रहे हैं भगवान? पूरी सृष्टि को देख रहे हैं, वो तो दर्शन गुण हो गया, शक्ति की बात करो ना, अनंत दर्शन हो गया, वो तो देख रहे हैं, शक्ति की बात करो, पावर ना। इधर दो। भगवान के अतिशय से हम पता लगा सकते हैं कि इनमें अनंत शक्ति है? जैसे
भगवान के जो अतिशय है बोले कौन से उनका जो चमत्कार है भगवान का, क्या चमत्कार, जैसे हमने कोई मान मान्यता रखी उन और उनको बीच में रख कर काम किया और हमारा काम सफल होता है तो हम मानते हैं कि भगवान ने हमारा साथ, और जिसका काम नहीं हुआ वो अनंत शक्ति वाला नहीं माने, ये तो कोई बात नहीं। तो मेरे पांव में दर्द भगवान नहीं सुन रहा तो भगवान अनंत शक्ति वाले नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, उनको बैठ जान दो पहले। हाँ नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव भगवान कभी थकते नहीं है, जैसे खड़गासन है तो खड़गासन है, पद्मासन में है पद्मासन में है, उनमें ये शक्ति है कि कभी में थकान नहीं आती, मतलब नहीं यार मजा नहीं यार, भगवान थकते नहीं तो क्या है, और कोई बता। बैठ जाओ देवियों, क्यों खड़ी, कहाँ से आई ये भीड़, बैठ जाओ जहाँ जगह मिले वहाँ। नमोस्तु गुरुवर, हम सब ब्यावर पार्श्वनाथ महिला मंडल से आए हैं। नहीं परिचय मत दो, उत्तर दो। भगवान अनंत चतुष्टय के धनी हैं और उनमें अनंत वीर्य की शक्ति है। प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न सुना नहीं, उत्तर तैयार रहता रेडीमेड। हाँ वो तो हम ही बोल रहे हैं, अनंत चतुष्टय है भगवान भय रहित है। क्या भगवान को कोई भय नहीं है, ताकत की बात करो यार, भय क्या करेगा, तो उसमें अनंत शक्ति, शक्तिशाली वाला भी डर जाता है, क्या करोगे, अनंत शक्ति क्या होती है। इधर दो इधर, हाँ दे दो। नमस्ते गुरुदेव। जब भगवान का जन्म होता है तब तीनों लोकों में शांति और आनंद का अनुभव होता है, इससे पता चलता है कि वो अनंत शक्तिमान। बैठोगे या बैठवाएं, अब मुझे देख के किसी को आनंद हो रहा है तो मेरी शक्ति है क्या, वो तो पुण्य है। नमस्ते गुरुदेव। भगवान की शक्ति संयम और तप से है। क्या संयम और तप से है? क्या है संयम और तप से है? अरे कहाँ का तप, भगवान तप थोड़ी करते, मुनि महाराज तप करते हैं, भगवान तपस्या करते हैं क्या, भगवान तो भगवान बन गए, अब काय के लिए तपस्या करें। नमोस्तु महाराज। भगवान में मोक्ष जाने की भी शक्ति है और सातवें नरक भी जाने की शक्ति है इनके। जय हो तुम्हारी, वापिस कर दो माइक, सातवें नरक भेज रही भगवान को, खुद का जुगाड़ नहीं है, भगवान को सातवें नरक, कोई तीर्थंकर सातवें नरक जाता है क्या। बहुत अच्छा स्वाद दिया है, सातवां नरक सीधा। नमस्ते गुरुदेव। जिनके आगे स्वधर्म इंद्र भी झुकता हो, जिनके आगे पूरा संसार झुकता हो, वो किसी को भी नमन नहीं करते, इतने शक्तिशाली उनका अनंत चतुष्टय है। नहीं सब घोटाला है। हाँ बोलो। हाँ हाँ माइक में बोलो अच्छे से, जरा लोगों को ही पता पड़े तुम्हारा ज्ञान। भगवान ने अपनी शक्ति को जागृत कर दिया है और उनमें हर दुख को सहन करने की शक्ति है। नहीं भगवान को भी दुख पड़ेगा, वो दुख को सहन कर रहे हैं, अब कह रहे हैं भगवान में अनंत सुख है तो दुख की जरूरत क्या है उनको सहन करने की। देखिए भगवान अनंत बलशाली हैं, अनंत शक्ति है, उसका पता कब लगता है, जब भगवान का जन्म होता है और नवजात शिशु अंतर मुहूर्त उसे जब सुमेरु पर्वत पे बिठाया जाता है। तुम कितने साल बाद बैठना सीखे हो बोलो, पैदा होते ही बैठ गए थे, कितने साल लगे तुमको, साल भर बैठ तो गए लेकिन बैठना तो आज तक नहीं सीखे हो, कैसे बैठना, समझ में आ रहा। आप कल्पना करो, किसी भी धर्म में ये बात नहीं आ सकती कि तीर्थंकर बालक का जन्म हो और उसे अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त माने एक समय,
48 मिनट तक तो देवता लौट के वापस आ जाते हैं, समझ में आ रहा है? कहाँ ले जाते हैं बालक को, बोलो। सुरपति ले अपने शीश जगत के इस गए गिरिराजा, जा पांडु के शिला विराजा। कहाँ बिठा दिया भगवान को, कहाँ बिठा दिया? कितने साल के बालक थे बोलो, कितने साल के बालक थे? एक घंटे के। जितना पंच कल्याणक में दिखाते हैं ना, इतना होता नहीं है। पलक झपकते तो सब क्रिया होके बालक रिटर्न, समझ में आ रहा? तो अभी बालक का जन्म हुआ ही है। यदि 48 मिनट हो जाएगा जन्म का तो मां बच्चा नहीं देगी, समझ में आ रहा? यहां जन्म होता है, वहां देवता प्रकट हो जाते हैं। पंच कल्याणक वो ड्रामे वाले अलग हैं जो अपने होते हैं, ओरिजिनल भाव पंच कल्याणक, ये अपना तो द्रव्य पंच कल्याणक स्थापना से। तो बुझो, जैसे ही बालक सूर्य उदय हुआ कि लालिमा छठी, समझ में आ रहा? तो जैसे ही बालक का जन्म हुआ और सची आई, ऐसा ड्रामा वामा नहीं होता कि ये स्वामी मैं अंदर कैसे जाऊं, बच्चा कैसे लाऊं, ये नकली बच्चा तो मुझे युक्ति बता, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब नेचुरल क्रिया होती है। ये तो अपन लोग प्रभावना के लिए दिखाते हैं कि इंद्र खड़ा हो गया, जाओ देवी लेकर आओ और जल्दी लाना, और वेट कर रहा इंतजार, ये सब कुछ नहीं होता है। सीधे अयोध्या नगरी में पहुंचे, इंद्र रुका और इंद्राणी गई, ये संवाद संवाद कुछ नहीं होते, समझ में आ रहा? वो तो अपन किस लिए दिखाते हैं कि बेचारे ने लाखों की बोली ली है, एक आध डायलॉग तो बुलवा दो, नहीं तो उसका पैसा बेकार चला जाएगा, कुछ नहीं होता। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संगपति श्री प्रदीप मामा प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर।